हाँ देखो ध्यान दो, सारे के सारे अब तक हम लोगों ने अगर बेसिक की हम बात करें तो बायो फर्टिलाइजर खत्म कर दिए थे हमने, खाद खत्म कर दी थी और फर्टिलाइजर हमने पढ़ लिए थे, ये तीनों टॉपिक हो चुके हैं। सही बात है, सुपरवाइजर वेज तीनों हो गए ना, फर्टिलाइजर पढ़े कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, बाद में तुम्हारे नहीं हुए ना जेट में, फर्टिलाइजर नहीं हुआ ना जेट में। जेट वाले तो ऐसे देख रहे हैं कि यार पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो। अरे बेटा मैं ऐसे कह रहा हूँ, उर्वरक पढ़े कि नहीं पढ़े तुमने? बस इतना सा ही तो क्वेश्चन था, तुम तो ऐसे देख रहे हो सर मंगल ग्रह से आए हो क्या? मैं चाइनीज नहीं बोल रहा था ना, यही भाषा बोल रहा था। ये उर्वरक पढ़ लिए? पढ़ लिए तो बोल देना चाहिए था कि नहीं पढ़े। ठीक है, तो आप लोगों को इनके साथ रिवीजन हो जाएगा, टेंशन मत लो। फिलहाल दो टॉपिक हमने खत्म कर लिए हैं, आपका जो टेस्ट लगेगा उसमें दोनों टॉपिक आएंगे। हाँ बता देता हूं मैं आप लोगों के, जेट वाले जो बच्चे हैं वो टॉपिक तैयार करने का ध्यान रखना। आप लोगों को क्या करना है, एक तो आप लोगों को ध्यान रखना है खाद पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको? एक आपको पढ़ना है जैव उर्वरक, क्या पढ़ना है? दो तो टॉपिक हो गए ये आपके, इसके अलावा खरपतवार दे दे नहीं देना? ठीक है सुनो, फिर इसके बाद में दो तो टॉपिक ये हो गए, इसके अलावा एक आपको दे देते हैं शुष्क खेती, क्या दे देते हैं? शुष्क खेती। ये तीन टॉपिक तो हैं आप लोगों के, रख लोगे या तीनों? ठीक है, इसके बाद ये तो हो गई टेस्ट की बात, ये तो किसकी बात हो गई? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब आपके पास दो क्राइटेरिया है, ये यूं कहें क्लास का नाम सोइल साइंस डाल दिया गया है, तो चलो सोइल भी पढ़ लेते हैं, पढ़ लें सोइल। चलो ठीक है, हमारा नया टॉपिक या यूं कहें अब हमको पढ़ना है मृदा विज्ञान, क्या पढ़ना है? और मृदा विज्ञान जो है उसमें से क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं, ध्यान रखना, आपको अवेयर रहना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। तो अब हम पढ़ेंगे मृदा विज्ञान या सॉयल साइंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक एक करके इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले अगर हम बात करें तो मृदा विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं सॉयल साइंस, क्या बोलते हैं? सॉयल साइंस। और सॉइल साइंस में भी पहला शब्द है सॉइल, क्या है पहला शब्द? तो सॉइल जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? कौन सी भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का एक शब्द है सोलम, जिससे बनाया है हमने सॉइल, यानी जहां लेटिन भाषा बोली जाती है वहां मिट्टी को मिट्टी नहीं बोलकर वो बोलते हैं सोलम, क्या बोलते हैं? और इस सोलम का अगर हम बात करें, इस सोलम का अगर हम अर्थ निकालते हैं कि सर इसका मतलब क्या होता है अंग्रेजी या हिंदी में, तो इंग्लिश में इसका या हिंदी में इसके अर्थ की बात करें तो हिंदी में इसका अर्थ होता है फर्श, और वैसे इसको बोलते हैं ग्राउंड या फ्लोर, क्या बोलते हैं? ग्राउंड या फ्लोर, यानी लेटिन भाषा जहां बोली जाती है वहां फर्श को वो लोग, जैसे हम बोले ना फर्श फ्लोर, वो बोलते हैं सोलम, क्या बोलते हैं? इस सोलम से हमने बना दिया है सोयल, क्या बना दिया है? तो सोयल कौन सी भाषा का है और कौन से शब्द से बना हुआ है? इस सोलम का अलग अलग जगह अलग अलग मतलब होता है, आपको ध्यान रखना है जब आप लोगों को पढ़ाई जाएगी मृदा परिच्छेदी का, क्या पढ़ाई जाएगी? तो मृदा परिच्छेदिका में इस सोलम का अलग मतलब होता है, वहां सोलम का मतलब होता है कि मृदा के ए और बी संस्तर को संयुक्त रूप से बोलते हैं सोलम, क्या बोलते हैं? दोनों ही एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि सोलम का मतलब क्या होता है, तो सोलम का मतलब होता है सोयल, या इसका अर्थ पूछे तो होता है फर्श या ग्राउंड, जो लेटिन भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है। और सोलम का ये भी पूछा हुआ है, ध्यान रखना कि सोलम का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी संस्तर को संयुक्त रूप से बोलते हैं सोलम, क्या बोलते हैं? दोनों याद रख लोगे, ये मृदा परिच्छेदिका भी आपको पढ़ाएंगे। सुपरवाइजर में पहले मृदा परिच्छेदिका नहीं पढ़ाई हुई है ना, कोई बात नहीं, अभी जस्ट कल की क्लास में मृदा परिच्छेदिका ही पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, है ना, मजे हो गए होंगे, है ना। चलो कुछ तो नया हुआ सर है। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? कौन सी भाषा का है, कौन से शब्द से मिला है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे सोयल की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा बहुत आसान है, ज्यादा कोई दिक्कत इसमें आपको आनी नहीं चाहिए।
परिभाषा के लिए या यूं कहें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से परिभाषा से तीन चार क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला यहां से एक शब्द या चार शब्द आपको याद रखना, एक तो याद करना है 3D, क्या याद रखना है? एक आपको याद रखना है प्राकृतिक पिंड, क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? प्राकृतिक पिंड। और एक आप लोगों को याद रखना है पैतृक पदार्थ, क्या याद रखना है? पैतृक पदार्थ। और एक आप लोगों को ध्यान में रखना है प्राकृतिक बल, क्या याद रखना है? प्राकृतिक बल। यानी कुल मिला के आपको ये चार शब्द ध्यान रखने हैं, इन चारों शब्दों से हम सोइल की परिभाषा बना लेंगे। समझना कैसे बनाएंगे परिभाषा। पहला लिखा हुआ है 3D। देखो 3 का मतलब होता है इंग्लिश में, 3 का मतलब 3 और 3 का मतलब होता है 3, जिसको बोलते हैं 3, क्या बोलते हैं। और इस डी का मतलब होता है डाइमेंशंस, क्या होता है? जो विमा होती है ना, उस विमा को हिंदी में तो बोलते हैं विमा, इंग्लिश में बोलते हैं डाइमेंशन, क्या बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये कोई भी एक बॉक्स है, क्या है ये? कोई भी एक बॉक्स है। इस बॉक्स की आपको सारी भुजाएं दिखाई दे रही होगी, आपको इसकी चौड़ाई भी दिख रही होगी, आपको इसकी ऊंचाई भी दिख रही होगी, आपको इसकी लंबाई भी दिखाई दे रही होगी। देखो ध्यान देना, एक भुजा इसकी ये रही, एक भुजा इसकी ये वाली रही, या यहीं पर समझ लो एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही और एक भुजा ये वाली रही, दिख रही है ना आपको। यानी कि जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों विमाएं विद्यमान होती है, उसको बोलते हैं त्रिविमीय, क्या बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो जो मिट्टी होती है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों विमाएं होती है, इसलिए मिट्टी को बोलते हैं त्रिविमीय, क्या बोलते हैं। तो आपको कोई भी ये पूछे कि इस 3D का मतलब क्या है, तो आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो कि सर 3D का मतलब होता है त्रिविमीय, और त्रिविमीय का मतलब होता है कि इसकी तीनों विमाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई विद्यमान रहती है। दिक्कत है यहाँ कोई? है क्या दिक्कत है? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला लिखा हुआ है प्राकृतिक पिंड, क्या लिखा हुआ है? प्राकृतिक पिंड जो शब्द है उसका खुद का मतलब ये रहता है कि ऐसा कोई पदार्थ जिसका हम लोग कृत्रिम रूप से ना तो निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। यानी कि जो प्रकृति में स्वतः बनता है और स्वतः ही उसका विनाश होता है, तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक पिंड, क्या बोलते हैं उसको। जैसे मान लो कोई चीज है प्रकृति में बन रही है और आप भी उसको बना सकते हो, इसका मतलब वो प्राकृतिक पिंड है। तो मिट्टी का ना तो हम लोग निर्माण कर सकते हैं और ना ही मिट्टी का हम विनाश कर सकते हैं, इसका मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसका निर्माण और विनाश कृत्रिम रूप से हम नहीं कर सकते, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक पिंड। यानी ऐसा पिंड जिसका निर्माण प्रकृति में स्वतः होता है और जिसका विनाश भी प्रकृति में कैसा होता है, स्वतः। तो मिट्टी प्राकृतिक पिंड है कि नहीं? मिट्टी 3D त्रिविमीय है कि नहीं? अगला है पैतृक पदार्थ, अगला क्या है। यानी कहने का मतलब यह है यहां पर कि जो मिट्टी है ना वो बनती है पैतृक पदार्थों से, किससे बनती है। अगर बात की जाए इस पृथ्वी के निर्माण की, तो पृथ्वी के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि पहले पृथ्वी नहीं थी, क्या नहीं थी पहले। पृथ्वी नहीं थी, केवल सूर्य था, और सूर्य के ऊपर एक ब्लास्ट हुआ जिससे यहां से जो लावा है वो दूर हट गया, और दूर हटने के बाद चारों तरफ लावा फैल गया, और जो लावा था वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, और ठंडा होने की वजह से बहुत सारे ठोस पिंड बन गए, और उन पिंडों में से एक थी पृथ्वी। कौन थी? कहते हैं इसी ब्लास्ट के बाद आकाश गंगा का निर्माण हुआ। आकाश गंगा तो जानते हो ना आप लोग, नहीं जानते? मिल्की वे नाम नहीं सुना? पृथ्वी कौन सी आकाशगंगा में है? मिल्की वे नाम सुना तो होगा ना आप लोगों ने, गैलेक्सी की बात कर रहे हैं हम लोग। यानी मिल्की वे आकाशगंगा अपनी, जिसके अंदर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी है, सूर्य है, और जो अपने सारे ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, हम इन सब की जो बात कर रहे हैं वो है आकाशगंगा में, मिल्की वे में, किसके अंदर है। और जैसे ये एकमात्र, जैसे एक सूर्य है इसके चारों तरफ इतने ग्रह, ऐसे बहुत सारे सूर्य हैं, ऐसे बहुत सारे। देखो हम तो ये सोचते हैं देखो पृथ्वी कितनी बड़ी है, पहली बात तो चोमू कितना बड़ा है, दूसरी बात चोमू जयपुर में आते जयपुर कितना बड़ा है, तीसरी बात जयपुर राजस्थान में आता राजस्थान कितना बड़ा है, अगली बात राजस्थान भारत में आता भारत कितना बड़ा है, और भारत एशिया में आता एशिया कितना बड़ा है, और एशिया भी
आपको मैं बता देता हूँ, इस पृथ्वी के अंदर ऊपर जो जितने भी सारे देश हैं उनको मिला दे तो कितना बड़ा भाग हो गया, समझ में आ गया? और ये भाग भी आपको पता हो तो मात्र 20% एरिया के अंदर, बाकी भी तो पानी भरा हुआ है। तो सोचो पृथ्वी कितनी बड़ी है। और पृथ्वी यू मान के चलो जैसे आपका शरीर में आपके बाल का हिस्सा भी बहुत बड़ा है पृथ्वी की तुलना में, पृथ्वी इस ब्रह्मांड का उतना सा भाग भी नहीं है, समझ रहे मेरे बात भाई? आपके शरीर में बाल का आकार भी बड़ा है याद रखना, जबकि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी का आकार उससे भी छोटा है, तो सोच लो अपनी क्या औकात है, समझ गए? इसीलिए घमंड नहीं करना। क्या नहीं करना है? घमंड। हम एक कण मात्र हैं, ज्यादा लोड नहीं लेना है। तो कहते हैं सूर्य से ही बनी है पृथ्वी, क्या बनी है? और इस सूर्य की चारों तरफ जितने ग्रह चक्कर लगा रहे हैं वो सारे भी किससे बने हैं? इसी से बने हैं। ब्लास्ट हुआ, लावा अलग हटा और उसके बाद में ठंडा होकर पृथ्वी बन गई। बस मजे की बात इतनी सी थी कि इस पृथ्वी की इससे दूरी जो है ना वो अच्छी खासी थी, ठीक दूरी थी जिससे तापमान नियंत्रित रहा और क्रिया होकर यहाँ पर ऐसा एनवायरमेंट बन गया जिससे जीवन पनप गया, या यूं कहें जीवन की उत्पत्ति इसके ऊपर हो गई। बाकी जो चक्कर लगा रहे हैं ग्रह इसके चारों तरफ उन पे फिलहाल जीवन या यूं कहें लाइफ के बारे में कोई ऐसी जांच नहीं हुई है, ठीक बात है? अब बात करें जो पृथ्वी है, जब ये बनी थी लावा के जमने से, तो याद रखना लावा जब भी जमेगा तो लावा के जमने से तो बनती है चट्टान, क्या बनती है? यानी जैसे ही गर्म लावा, पिघला हुआ लावा जमकर ठंडा होता है, तो ठंडा होते ही जो बनता है वो तो क्या होती है? चट्टान। समझ में आ गए? यानी जब पृथ्वी बनी होगी तो यहाँ चट्टाने ही चट्टाने होगी, क्या होगी? चट्टाने ही चट्टाने। ऊपर उठा हुआ भाग था वो पर्वत बन गए, नीचे धसा हुआ भाग था पानी भर गए, क्या बन गया? समुद्र बन गया। समझ में आई मेरी बात? सर फिर ये मिट्टी कहां से आई? धीरे धीरे क्या हुआ कि जो चट्टाने होती है वो धीरे धीरे टूटती रहती है, और चट्टानों का, बड़ी चट्टान का छोटे टुकड़ों में टूटने की क्रिया को बोलते हैं इंग्लिश में तो वेदरिंग, क्या बोलते हैं? वेदरिंग। और हिंदी में बोलते हैं अपक्षय, क्या बोलते हैं? देखो अपक्षय का मतलब होता है किसी भी बड़े टुकड़े का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना कहलाता है अपक्षय, क्या कहलाता है? जेट सीयूटी, दोनों को सिलेबस में अपक्षय है, ध्यान रखना, पढ़ेंगे इसको हम लोग, ठीक है? आप लोगों के सुपरवाइजर में ज्यादा तो नहीं है लेकिन मोटा मोटे तौर पर आप लोगों को भी आइडिया होना चाहिए इस बारे में, ठीक बात है? तो कहने का मतलब यह है कि पहले यहाँ लावा जमा, चट्टाने बनी, चट्टाने धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, और छोटे छोटे जो टुकड़े थे जब वो एक जगह इकट्ठे हुए तो उसी को हमने नाम दे दिया मृदा, क्या नाम दे दिया? तो वास्तव में देखा जाए तो मृदा किससे बनी हुई है? चट्टानों से, सही बात है ना? तो हुआ क्या कि चट्टान एक प्रकार का पैतृक पदार्थ है, इसका मतलब मिट्टी के लिए है कि नहीं? अरे है कि नहीं? पैतृक पदार्थ का मतलब है जिससे मिट्टी बनी, और मिट्टी बनी है चट्टानों से, इसका मतलब है चट्टान ही एक प्रकार का मिट्टी के लिए पैतृक पदार्थ है। अब ऐसा तो है नहीं कि चट्टाने बैठी बैठी चुपचाप ही टूट जाएगी, कोई तो वजह होगी चट्टाने टूटने की। अरे चट्टानों को जोर थोड़ी ना आ रहा है जो ऐसे पड़ी पड़ी ही टूट जाएगी, टूटने के लिए कोई तो कारण रहा होगा। और चट्टानों के टूटने के लिए बहुत सारे कारक, वायुमंडलीय कारक जिम्मेदार होते हैं। चट्टानों के टूटने की तीन प्रकार की क्रियाएं होती है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। भौतिक का मतलब होता है जैसे मान लीजिए तापमान की वजह से चट्टान टूटे, किसकी वजह से चट्टान टूटे? तापमान की, कि जब पहाड़ों की सतह गर्म होती है तो खनिज फैलते हैं और ठंडा होने पर वापस से सिकुड़ते हैं, तो खनिज जब लगातार फैलते सिकुड़ते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि दरार आती है और टूटे जाते हैं। जब नदी तेज गति से बह रही होती है तो छोटे छोटे पत्थर, या यूं कहें जो पहाड़ों के ऊपर पत्थर होते हैं, वो पानी के साथ बहते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और टूट जाते हैं। तो वापस में पत्थर टकरा के टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे हैं? तो पानी का बहना, तापमान का बढ़ना या घटना, तेज हवा या आंधी का चलना, ये सारे के सारे प्राकृतिक कारक हैं। कैसे कारक है ये? प्राकृतिक कारक। और इन्हीं को हमने नाम दे दिया है प्राकृतिक बल, क्या नाम दे रखा है? यानी ये प्राकृतिक बल क्रिया किस पे करेंगे, और पैतृक पदार्थों पर क्रिया करने के बाद क्या बन जाएगा? त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड बनेगा, क्या बनेगा? और उसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बन गई परिभाषा, मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है जिसका निर्माण पैतृक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों की क्रिया के फलस्वरूप होता है। आपको परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको यह पूछेगा 100% कि मृदा 3D होती है, 2D होती है। आपको यह पूछेगा कि मृदा प्राकृतिक पिंड है, कृत्रिम पिंड है, याद रख लोगे दोनों बातें पक्का।
एक तो मृदा होती है, एक होता है भूमि। क्या होता है? देखो मृदा को इंग्लिश में बोलते हैं सॉयल और भूमि को बोलते हैं लैंड। क्या बोलते हैं? और याद रखना भूमि होती है 2D। क्या होती है? 2 का मतलब होता है द्वि और डी का मतलब डायमेंशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द्विविमीय। क्या बोलते हैं? इसकी केवल दो ही विमाएं होती है, तीनों विमाएं। समझ में आ गई मेरी बात? तो भूमि द्विविमीय है, जबकि मृदा कैसी होती है? त्रिविमीय होती है। समझ में आ गई यहां तक की बात? इसके बाद आगे चलते हैं, देखो ध्यान देना। इसके बाद बात करें तो मृदा विज्ञान की, वैसे तो देखा जाए तो शाखाएं होती है 6। कितनी शाखाएं होती है? मृदा विज्ञान की खुद की शाखाएं होती है 6, जो आपके किसी काम की नहीं है। ना जेट में आता है, ना सीयूटी में आएगा, ना ही सुपरवाइजर में आएगा। लेकिन मृदा विज्ञान का या मृदा विज्ञान के दो सिद्धांत है, वो आपके सुपरवाइजर और जेट दोनों में आते हैं। तो याद रखना आपके सिलेबस में उनको शाखा ही नाम दे रखा है, तो आप चाहो तो उनको शाखा करके पढ़ लो और आप चाहो तो उनको सिद्धांत करके पढ़ लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो शाखा के तौर पर पहली शाखा तो हो जाती है पेडोलॉजी। क्या हो जाती है? पेडोलॉजी हो जाती है। और दूसरे नंबर पे हम बात करें तो सेकंड नंबर पे हम बात कर लेते हैं, तो सेकंड नंबर पे आ जाता है एडेफोलॉजी। क्या आ जाता है? एडेफोलॉजी। अब कोई भी बालक या बालिका ये मत करना कि सर इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि बहुत कम चांस है कि पेपर में हिंदी मिल जाए आपको, इंग्लिश ही मिलेगा। और हिंदी में भी अगर मिलेगा ना, तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा पेडोलॉजी। क्या लिखा हुआ मिलेगा? पेडोलॉजी। इसलिए टेंशन करना ही नहीं है, इंग्लिश में याद करना है। किसमें याद करना है? इंग्लिश में याद करना है। इससे पहले एक छोटी सी बात पढ़ लेते हैं, छोटी सी बात ये पढ़ लेते हैं कि जैसे जेईटी 2020 के पेपर में पूछा हुआ है एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? आसान है ना बहुत शब्द, लेकिन ऐसे सवाल आते हैं। और सुपरवाइजर में भी पूछे हुए हैं, शब्दों का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये शब्द कौन सी भाषा का है, वो शब्द कौन सी भाषा का है। जैसे आपको मैंने तीन शब्द बताए थे, खाद, कपास और गन्ना, इसके अलावा एक ऊसर भी याद रखना। क्या याद रखना? ये सारे के सारे शब्द संस्कृत भाषा के, तो ध्यान रखना कपास भी पूछ रखा है, गन्ना भी पूछ रखा है। समझ रहे हो मेरी बात? वैसे ही एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो किसी भी शब्द के पीछे मान लीजिए लॉजी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, या फिर मान लीजिए उसके पीछे लगा हुआ है नोमी, क्या लगा हुआ है, या फिर मान लो सर दोनों ही नहीं मिले आपको, केवल वाई दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो चांस ये है कि ऐसा शब्द सदैव ग्रीक भाषा का होगा। किस भाषा का होगा? यानी अब से आपको रटना नहीं है, जिस शब्द के पीछे आपको लॉजी मिल जाए, नोमी मिल जाए या वाई लगा हुआ मिले ना, तो चांस यही रहेगा लगभग लगभग कि वो कौन सी भाषा का है। जैसे आपको कोई मान लीजिए नॉर्मली ये कह दे बताइए इकोलॉजी कौन सी भाषा का है, तो आप टेंशन में आ जाओगे, सर इकोलॉजी तो कोई पढ़ा है नहीं, कौन सी भाषा का शब्द, ऐसे कैसे पूछ लिया आपने। तो टेंशन नहीं लेना है, पीछे क्या लगा हुआ है? और लॉजी लगा हुआ है, इसका मतलब है ग्रीक भाषा का। ठीक बात है? और मान लीजिए किसी भी शब्द के पीछे कल्चर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो ये मान के चलिए वो कौन सी भाषा का है, कौन सी भाषा का है वो। जैसे एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का। फ्लोरिकल्चर, ऑलरिकल्चर, पक्का। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर, पक्का। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर भी। सिल्विकल्चर, यानी अब आप समझ गए होंगे मैं क्या समझा रहा हूँ। सिल्विकल्चर का भी याद करे, किया था कि कौन सी भाषा का, नहीं किया ना। इसका मतलब रटना नहीं है आपको, बस इस बात को समझ लो और यही छोड़ दो कि सर अगर ये हमको पीछे दिख गया ना, तो हम आंख बंद करके तीर लगा देंगे, तीर का मतलब क्वेश्चन पे टिक कर देंगे कि ग्रीक भाषा का है। तो वो तीर नहीं कि तुम तीर का बाण लेके बैठ जाओगे, सर मिलेगा और आंख बंद करके लगा देंगे, कहने का मतलब पेपर में टिक लगा देंगे कि ये लो सर। और टिक वाला जो सिंबल होता है उसको क्या बोलते हैं, निशाने तो बोलते हैं ना, हाँ उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो पहले हम वापस से पीछे चलते हैं और आपको ये पूछा जाए कि पेडोलॉजी किस भाषा का शब्द है। ये लो तुमने कहा और मैंने लिख दिया कि सर ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो होता है पेडोन, क्या होता है, और दूसरा होता है लोगस, क्या होता है। कितने शब्द से बना हुआ है? पेडोन और इस पेडोन का अगर आपको ये पूछे कि बताइए इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, इसका मतलब क्या होता है, तो क्या होता है,
क्या होता है? मृदा सूक्ष्म कण। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। क्या होता है? हाँ जी आप बताइए क्या होता है। हाँ जी मृदा। क्या होता है? तो याद रखना आप लोग इस बात का विशेष कि इस पेडोन का हिंदी में अर्थ होता है मृदा, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल। क्या बोलते हैं? और इस लोगस की बात करें तो इसका मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन करना। यानी सीधे तौर पर हम पेडोलॉजी का मतलब निकालें तो मृदा का अध्ययन करना, इस शब्द का मतलब क्या है? ठीक बात है। और इसी तरीके से अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि बताइए एडेफोलॉजी का क्या मतलब है, तो एडेफोलॉजी भी किस भाषा का शब्द है? पहली बात तो सर इसके पीछे लॉजी लगा हुआ है, तो किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का है। दूसरी बात सर, एडेफोलॉजी जो है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, एक तो होता है एडेफोस, क्या होता है, और दूसरा क्या होता है? लोगस। क्या होता है? लोगस का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। क्या होता है? और अगर आपको ये पूछ ले कि बताइए इस एडेफोस का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब भी होता है मृदा। क्या मतलब होता है? और मृदा को इंग्लिश में तो सोइल बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है। यानी मृदा विज्ञान की दोनों ही शाखाएं या दोनों ही सिद्धांतों का शाब्दिक अर्थ होता है मृदा का अध्ययन करना, और दोनों में किया भी वही जाता है दोनों में, लेकिन करने के लिए संदर्भ अलग अलग होता है। समझ में आई मेरी बात? संदर्भ का क्या मतलब है? जैसे मान लो ये कोई खेत है, इस मिट्टी का आपको अध्ययन करना है, क्या करना है, लेकिन यहां आप जिस मिट्टी का अध्ययन कर रहे हो, आप यहां अध्ययन करना चाहते हो कि सर इस मिट्टी का निर्माण कब हुआ, यानी एक तो किसके संदर्भ में कर रहे हो, या फिर जैसे मान लो आप उस मिट्टी का वर्गीकरण करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, या फिर आप उसके विस्तार का अध्ययन करना चाहते हो, किसका अध्ययन करना चाहते हो। जैसे सर इनका मतलब क्या है वो समझाइए। निर्माण का मतलब है कि जैसे लाल मिट्टी बनी है तो वो कैसे बनी है, किससे बनी है, उसके बनने की प्रक्रिया को जानने की कोशिश की हमने। वर्गीकरण का मतलब है, आपने नाम सुना लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, जो भी नाम आपने सुन रखे हैं, नाम कहां से आए, किसी ने तो वर्गीकरण किया ही होगा। तो अगर मिट्टियों को अलग अलग वर्गों में बांटना है, उस चीज का अध्ययन करना है। और विस्तार का मतलब है कौन सी मिट्टी कहां कहां फैली हुई है। कहते हैं कोटा में काली मिट्टी है, और यहां अपने इस भाग की बात करें या हम जयपुर वाले बेल्ट की बात करें, जयपुर कोटा वाला की, तो यहां कहते हैं कच्छारी मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? और उत्तरी अगर राजस्थान की हम जाते हैं, या यूं कहें पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में जाते हैं, तो वहां रेतीली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? इसका मतलब हमने मिट्टियों के विस्तार, कौन सी मिट्टी कितनी दूर में फैली हुई है, उसका भी अध्ययन कर रखा है। तो अगर इन तीनों बातों का अध्ययन अगर हम करते हैं, तब तो हम कह देते हैं कि सर ये तो कौन सी शाखा है, पेडोलॉजी। यानी मिट्टी का अध्ययन तो कर रहे हैं, लेकिन किसके संदर्भ में? निर्माण के, वर्गीकरण के, और विस्तार के संदर्भ में। जब भी मिट्टी का अध्ययन तीनों बातों के संदर्भ में करेंगे, तो उसको बोलेंगे पेडोलॉजी। और जब भी मिट्टी का अध्ययन अगर हम कर रहे हैं उच्च पादपों के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, यानी अब दूसरा संदर्भ आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि अब मान लीजिए आप अध्ययन कर रहे हो उच्च पादपों के संदर्भ में, किसके संदर्भ में। जैसे आपने कहा कि सर जलोढ़ मृदा के अंदर उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ये तो पढ़ा ही होगा ना आपको, पढ़ाया मैंने कि भारत की सबसे उत्पादक मृदा कौन सी है, जलोढ़। आपने कहा कि सर जलोढ़ मृदा में पौधे की हाइट सबसे ज्यादा होती है, यानी पादपों के बारे में करें, मिट्टी के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं हम, किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे उत्पादन के बारे में, हम बात करेंगे पादपों से संबंधित। पादप शब्द जरूर आएगा, क्या शब्द आएगा, और जहां आपको पादप शब्द दिख जाए आंख बंद करके कह देना वो कौन सी शाखा है, कौन सी शाखा है। यानी कि इसकी परिभाषा के तौर पर एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है उसकी बात कर लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब मृदा का अध्ययन किसके संदर्भ में करते हैं, किसके संदर्भ में, मृदा का अध्ययन उसके निर्माण, निर्माण, वर्गीकरण व विस्तार के संदर्भ में, संदर्भ में किया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं,
इसको बोल देते हैं पेडोलॉजी। क्या बोल देते हैं इसको? यानी कहने का मतलब यहां सिर्फ इतना सा है कि मिट्टी का अध्ययन तो कर रहे हैं, लेकिन मिट्टी का अध्ययन करने का हमारा जो कारण होता है वो एक होता है निर्माण, एक होता है वर्गीकरण और एक होता है विस्तार। अगर क्वेश्चन में ये तीनों शब्द आपको दिख जाए तब तो आपको मानना है पेडोलॉजी। क्या मानना है? और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये तीनों शब्द आपको नहीं दिखे तो फिर आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर उत्पादक दिख जाए तो अब आप लोग क्या कहोगे कि सर इसका मतलब एडोफोलॉजी की बात कर रहे हैं। मृदा का अध्ययन उच्च पादपों के संदर्भ में करना क्या कहलाता है? एडेफोलॉजी कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? अब दो छोटे छोटे क्वेश्चन और हैं, उनको भी समझ लेते हैं। यहां हम किसका अध्ययन करेंगे, किसका अध्ययन करेंगे? और मिट्टी का निर्माण स्वतः होता है हम करते हैं और विनाश, और जिसका निर्माण और विनाश स्वतः होता है उसको क्या बोलते हैं? यानी पेडोलॉजी के अनुसार मिट्टी क्या है? बस ध्यान रखना, पेडोलॉजी के अनुसार। किसके अनुसार? पेडोलॉजी के अनुसार मिट्टी क्या है? अनुसार मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेडोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है। और दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं कि हम अध्ययन ही किसके संदर्भ में करते हैं और उत्पादक कहाँ रहते हैं? मिट्टी में रहती है उनकी जड़ें। पोषण तत्व तो कहां से लेते हैं? उनकी जड़ें कहाँ रहती है? पानी कहाँ से लेते हैं? सहारा कौन देता है उनको? यानी उनको जो चाहिए सारी चीजें कौन देती है? जिस तरह से हम हमारे घर में रहते हैं और हमको जो जो आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति वहीं पे होती है ना, ठीक वैसे ही पौधों की सारी पूर्ति कहाँ से होती है? मिट्टी से। इसका मतलब हमारे घर को हम हिंदी में बोले तो आवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका मतलब एडेफोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है? बस मृदा एक प्राकृतिक आवास है। क्या है? ये दोनों ध्यान रखना। प्राकृतिक आवास तो किसके अनुसार है? किसके अनुसार है? और प्राकृतिक पिंड किसके अनुसार है? क्या यहां तक की बात समझ में आ गई सबको? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? छाप दो।
आगे चले क्या? चले आगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद मृदा विज्ञान की जो अलग अलग शाखाएं हैं इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। इनके जनक से रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, वैसे ये टॉपिक जनक का चल रहा है तो हर में जनक लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाना, समझ जाओगे ना। जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट में लिखवा रहा हूं, तो मैं लिखवा रहा हूं मृदा विज्ञान का जनक। क्या लिखवा रहा हूं? मृदा विज्ञान का जनक। तो मैंने ऊपर लिख दिया जनक, तो मैं यहां सिर्फ इतना सा लिख रहा हूं मृदा विज्ञान। क्या लिख रहा हूं? अब देखो मृदा विज्ञान का भारत में जनक अलग है और विश्व में जनक है। तो पहले हम विश्व की बात कर लेते हैं। कहां की बात कर लेते हैं? यानी विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व में मृदा विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? वीवी डोकुचेव को। किसको कहा जाता है? वीवी डोकुचेव को कहा जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? मृदा विज्ञान की। और मृदा विज्ञान कहा जाता है, ध्यान रखना, सोइल साइंस को। किसको कहा जाता है? सोइल साइंस को कहा जाता है। दूसरा हम कह रहे हैं कि इसी मृदा विज्ञान की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? इसी मृदा विज्ञान की बात कर लेते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि मृदा विज्ञान का भारत में जनक, कहां की बात कर रहे हैं? और मृदा विज्ञान का भारत में जनक कौन है? बहुत बढ़िया, जिस भी बच्चे ने जवाब दिया है, जेडब्ल्यू लेथर। इन जेडब्ल्यू लेथर से तीन चार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि जेडब्ल्यू जो लेथर है, इसने क्या किया था? सबसे पहले भारत में मृदाओं के सुधार के लिए जिप्सम का उपयोग किया था। किसके सुधार के लिए? और मृदाओं की कौन सी मृदाओं के सुधार के लिए? क्षारीय मृदा के लिए। किसके लिए क्या था? यानी क्षारीय मृदा के सुधार के लिए, याद रखना, सर्वप्रथम किसने किया था? जेडब्ल्यू लेथर ने। किसका उपयोग किया था? याद रखना, किसका उपयोग किया था? जिप्सम का उपयोग किया था। और कहां गया था? यूपी में किया था। बहुत बढ़िया, तीन क्वेश्चन बन गए यहां से। कितने क्वेश्चन बन गए? कि भारत में सर्वप्रथम जिप्सम का उपयोग किसने किया, कहां किया और किसके लिए किया। तो ये तीनों क्वेश्चन क्या सबको क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? पक्का? इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पेडोलॉजी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? तो ध्यान रखना, पेडोलॉजी के जनक भी कौन है? वीवी डोकुचेव। चाहे तो आपसे ये कहे कि मॉडर्न पेडोलॉजी के जनक बताइए, चाहे आपसे ये कहे कि केवल पेडोलॉजी के जनक बताइए, या फिर आपको कहे अमेरिकन पेडोलॉजी के जनक बताए, किसी भी पेडोलॉजी के पूछे जनक कौन आएगा? वीवी डोकुचेव। आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है लिखा हो जाए अमेरिकन पेडोलॉजी के फादर कौन है, मॉडर्न पेडोलॉजी के फादर कौन है, या सिंपल पेडोलॉजी पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना है कौन होता है? वीवी डोकुचेव। सही बात है। सुपरवाइजर वाले ये दोनों ध्यान रखना, मृदा विज्ञान के वीवी डोकुचेव और भारत में मृदा विज्ञान के जेडब्ल्यू लेथर। सही बात है। यहां तक यहां बात की है मृदा विज्ञान की। किसकी बात की है? एक शब्द बदल देते हैं। अब बात करते हैं मृदा रसायन की। किसकी बात करते हैं? किसकी बात करते हैं? मृदा रसायन। देखो मृदा को इंग्लिश में बोलते हैं सोइल, क्या बोलते हैं? और रसायन को, यानी अब किसका जनक पढ़ रहे हैं हम लोग? सोइल केमिस्ट्री का। और सोइल केमिस्ट्री के जनक कौन है? बहुत बढ़िया, कौन है? थॉमस वे। कौन है? थॉमस वे। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये जेईटी के पेपर में आ चुका है। ये आया था जेईटी के 2021 के पेपर में। कब आया था? जेईटी 21 के पेपर में, कि मृदा रसायन के जनक कौन है, रख लोगे याद। अब एक शब्द और बदल देते हैं, यहां मृदा की जगह कर देते हैं कृषि। क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? यानी अब हम बात कर रहे हैं कृषि रसायन की। किसकी बात कर रहे हैं? देखो ध्यान रखना, शब्दों के ऊपर जोर देना। यहां मृदा विज्ञान था, यहां मृदा रसायन है, और यहां मृदा की जगह कृषि आ गया है, ये आ गया है कृषि रसायन। ये क्या आ गया है? कृषि रसायन। कृषि रसायन के जनक याद रखना कौन है? जस्टस वॉन लीविक, जेवी लीविक। कौन है?
जेबी लिविक है, कौन है? जेबी लिविक है, रख लोगे याद, रख लोगे क्या याद? जेबी लिविक ने ही प्रथम उर्वरक का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था याद रखना, प्रथम उर्वरक का निर्माण किसने किया था? अरे किसने किया था? जेबी लिविक ने किया था। और जो प्रथम उर्वरक जेबी लिविक ने बनाया था उस उर्वरक का नाम क्या है? हाँ याद रखना, प्रथम उर्वरक था एसएसपी। और ये कहाँ बनाया था इसने? कहाँ बनाया था? इंग्लैंड में बनाया था। सही बात है, सारी बातें आपने पढ़ रखी है, कोई डाउट नहीं है किसी में भी। यानी कि कृषि रसायन के तो जेबी लिविक थे ही थे, लेकिन इनने उर्वरक बनाया, इसीलिए इनको कहा जाता है उर्वरक रसायन के जनक। क्या कहा जाता है? यानी आपको ये पूछ ले कि बताइए उर्वरक रसायन के जनक कौन है, तब भी आप क्या कहोगे? प्रथम उर्वरक किसने बनाया? जेबी लिविक। इनके एक दोस्त भी थे लिविक के साथ, लेविस भी थे। कौन थे? लिविक और लेविस दोनों ने मिलकर बनाया था। और बनाया किससे था? राख की क्रिया किससे करवाई थी? यानी इन्होंने क्या किया था? राख की क्रिया करवा दी थी H2SO4 से, और बदले में क्या बन गया था? SSP। क्या बन गया था? याद रखना, ये विश्व का प्रथम नहीं है, ये विश्व का तो है ही है, विश्व व भारत दोनों जगह का प्रथम उर्वरक है। ध्यान रखना, चाहे विश्व का पूछे चाहे भारत का पूछे, प्रथम उर्वरक कौन सा था? SSP था। कौन सा था? SSP था। रख लोगे याद यहाँ तक की? देखो एक एक दो दो शब्द बदल रहे हैं, आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं हो कि कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ कृषि रसायन था, यहाँ उर्वरक रसायन हो गया, यहाँ मृदा रसायन है, सारे रसायन है, बस आगे का शब्द बदल रहा है। तो क्यों ना एक रसायन और होता है जिसको बोलते हैं कोलोइड रसायन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोलोइड रसायन। देखो यहाँ पर रसायन तो आ ही रहा है, आगे नाम हो गया है कोलोइड, लेकिन यहाँ आपने थॉमस वे पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं थॉमस ग्राम। किसकी बात कर रहे हैं? थॉमस ग्राम। किसकी बात कर रहे हैं? थॉमस ग्राम ने ही कोलाइड शब्द भी दिया था। क्या दिया था? याद रख लेना इस बात को, आपको ये पूछ ले कि कोलोइड शब्द किसने दिया था, तो अच्छे से याद कर लेना कोलोइड शब्द भी किसने दिया था? थॉमस ग्राम ने दिया था। रख लो की बात को याद। और एक और याद रख लो आप, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म मृदा जीव विज्ञान। और आपने जब जैव उर्वरक पढ़ा था तो ये नाम आया था आपके सामने, आया था। क्या नाम था? विनोग्राड। इसका आया था कि नहीं आया था? बस तो याद रख लेना इसका कौन है, विनोग्राड स्काई। रख लोगे इसका नाम याद है? एक और याद कर लो, एक होता है मृदा जांच के जनक। किसकी बात कर रहे हैं? मृदा जांच के जनक होते हैं ML2। कौन है बताओ? यहां तक का मामला सेट है? छाप दो, फोटोकॉपी कर दो, और आज के लिए इतना काफी है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपने सेशन बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। उम्मीद तो पूरी मेरी ये है कि आपको मजा आया होगा, बाकी आप लोग ज्यादा अच्छे से बता सकते हो।